गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 इंग्लिश बुक 2 रिजोल्यूशन से फर्स्ट लेसन द थीव्स स्टोरी पेज 2 स्टार्टिंग पैराग्राफ्स। इट वाज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। ये बहुत सुखद एहसास था अनिल के लिए काम करना। आई मेड टी इन द मॉर्निंग एंड देन आई वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज। सुबह सुबह मैं चाय बनाता और फिर मैं सब दिन के खाने के लिए सामान लेने जाता। यूजुअली मेकिंग प्रॉफिट अबाउट रुपी अ डे। रोजाना मैं 1 रुपया बचा ही लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। मुझे लगता है कि शायद वो इस चीज़ को समझता था कि मैं ऐसा करता हूँ, लेकिन उसे इस चीज़ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स अपनी अर्निंग करता था। ही वुड बोरो 1 वीक। वो 1 वीक को उधार लेता एंड लेंड द नेक्स्ट और नेक्स्ट वीक को चुकाता। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। और फिर वो अपने आगे आने वाले चेक्स के बारे में इंतज़ार करता। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। लेकिन जैसे ही पैसे आता तो बाहर जाता और सेलिब्रेट करता। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स। ऐसा लगता था कि शायद वो मैगजीन्स के लिए लिखता था। और क्वीर वे टू मेक अ लिविंग। ये उसका आजीविका तरीका कमाने का अलग तरीका था। वन इवनिंग ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक दिन वो एक छोटे बंडल के नोट्स के साथ घर आया। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। और कहा कि मैंने आज एक किताब पब्लिशर को बेची है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। रात को मैंने देखा कि उसने वो जो पैसे वो लाया था उसे गद्दे के नीचे रखा है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल ऑलमोस्ट अ मंथ। मैं लगभग 1 महीने से अनिल के लिए काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन शॉपिंग, और शॉपिंग में थोड़ी सी चीटिंग करने के अलावा, आई हैड डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। इसके अलावा मैंने कुछ गलत नहीं किया था अपने कार्य में। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। जबकि मेरे पास सभी अवसर थे ऐसा कुछ करने के। अनिल हैड गिवन मी की टू द डोर। अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज। और मैं कभी भी उसके अंदर आ जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। और वो बहुत ट्रस्ट मुझ पर विश्वास करने वाला पर्सन था जो कि मेरी ज़िंदगी में पहला ही व्यक्ति था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज डिफ़िकल्ट टू रोब हिम। और यही कारण था कि उसे लूटना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। इट्स ईजी टू रोब अ ग्रीडी मैन। एक लालची व्यक्ति को लूटना तो बहुत आसान है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड। क्योंकि उसे लूटा जा सकता है, वो इसे अफोर्ड कर रहा है। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन। लेकिन एक केयरलेस लापरवाह व्यक्ति को जिसको पता ही नहीं चले लूटने का, तो उसको लूटना बहुत मुश्किल है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस। यहाँ तक कि उसे नोटिस भी नहीं करेगा ही हैज़ बीन रोब्ड, कि उसे किसी ने लूट लिया। एंड दैट्स टैक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ वर्क। और यही काम था कि जो मुझे काम नहीं करने दे रहा था। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। लेकिन ये वो टाइम था जब मैं कुछ करने वाला था। आई टोल्ड माई सेल्फ। मैंने अपने आप से कहा आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ। कौन सी प्रैक्टिस? चोरी की। एंड इफ आई डोंट टैग द मनी, और अगर मैं ये पैसे नहीं लेता हूँ, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन फ्रेंड्स। ये अपने दोस्तों पर ही लुटा देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। और फिर उसने मुझे आज दिन तक पे भी तो नहीं किया है, भुगतान भी तो नहीं किया है। थैंक्स। अब नेक्स्ट सेक्शन में नेक्स्ट पैराग्राफ्स।